व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे लेसन को, तुम लोगों ने कई तरह के बजट की बात की और ख़ास के कहा कि डिपार्टमेंट की बजट, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बजट बनता है और कुछ और भी जो टाइप्स हैं बजट की उसके बारे में। सो बजट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये क्लासिफिकेशन जो है वो फंक्शन के आधार पे फंक्शनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्स है। सो बजट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रॉम फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बी मे हैव मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट। इसके एक कंसेप्ट है मास्टर बजट का और दूसरा कंसेप्ट है डिपार्टमेंटल बजट का, तो जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के बजट बन गया और सबको मिला दें तो मास्टर बजट हो गया ऑब्वियस यूनिवर्सिटी के लिए। सो फ्रॉम फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी मे हैव मास्टर बजट्स एंड डिपार्टमेंटल बजट्स। From flexibility point of view, it is rigid budgets and flexible budgets. यहाँ यदि इसको हम कर दें तो ये हो गया rigid, obvious है, नाम से ही clear है, rigid budget and फिर flexible। इससे भी आप बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो ये तो यहाँ चर्चा हुई। इसके अलावा there are बजट्स लाइक मास्टर बजट, डिपार्टमेंटल बजट, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ बजट। मतलब हम बजट को यदि कैटेगराइज करें तो एक, दो, तीन, चार और पांच जो अदर टाइप्स ऑफ बजट है, और उस अदर टाइप्स में बहुत सारा हम लोगों ने शुरू में देखा था, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मतलब जिसमें आपने देखा कि लाइन बजट है, जीरो बेस बजट है, इस तरह के कई तीन चार बजट की हम लोगों ने बात की थी। उस उन सारे चारों बजट को धीरे धीरे वन बाय वन, नॉट धीरे धीरे, वन बाय वन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम लोगों ने कैटेगराइज करके यही चार कैटेगरी किया, क्योंकि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट ज़्यादा जरूरी है, मास्टर, डिपार्टमेंटल, रिजिड, फ्लेक्सिबल, बाकी उधर जनरल नेचर का है। सो इन दिस वे वी शैल टॉक इन टर्म्स ऑफ फोर दिस बजट एंड फोर अंडर द हेड अदर टाइप्स ऑफ बजट। सो एट बजट्स, एट टाइप्स ऑफ बजट्स टुगेदर वी शैल बी टॉकिंग। थैंक यू।